हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी मैं आपके साथ आंवले की मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर आधी किलो आंवला ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो करके पोंछ लिया है और अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम इस आंवले के बर्तन को रख देंगे और इसे हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से आंवले का फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम इसे स्टीम करके बनाएंगे। और अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे हम 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे और ये देखिए आंवले का कलर चेंज हो रहा है। तो अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से स्टीम हो सके। और अब इसे हम फिर से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए और इसे स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो फिर से हम इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए आंवला बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल करके ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसे थाली में निकाल करके ठंडा कर लिया है। और अब इस आंवलों में हम फोक की सहायता से इस तरह से छेद कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम इसे पकाएंगे तो इसके अंदर चाशनी बहुत ही अच्छे से चले जाएगी और ये बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसे रसीले बनेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आंवलों में फोक की सहायता से छेद कर लेते हैं और अब इन आंवलों को हम सुखाएंगे। तो इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में सुखा सकते हैं या फिर 2-3 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे में इसे सुखा सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो इसे मैं 1 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और ये देखिए 1 घंटे बाद आंवले बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसकी हम मुरब्बे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और अब इसमें हम ये गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और साथ ही मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है। आप इस मुरब्बे को सिर्फ चीनी से बना सकते हैं या फिर सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें दोनों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम आंवलों को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मुरब्बा बनाने के लिए आपने जितना आंवला लिया है उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ या फिर चीनी चाहिए होगी, तभी आपके मुरब्बे परफेक्ट बनेंगे। तो इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद हम गैस पर रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगी गुड़ और चीनी अपने आप ही मेल्ट होने लगेगी। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पर चिपकने लगेगी। और ये देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जलने लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे मिलाते रहना है। अगर आपको इस स्टेज पे कोई परेशानी हो रही है तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब पानी डाल लीजिए जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये धीरे धीरे अपने आप ही मेल्ट होने लगी है। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं और इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे पकने देंगे और इसे हम आधी आधी मिनट में चेक करते रहेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और पकने देते हैं। आधी मिनट बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चीनी और गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन इसमें अभी उबाल आने शुरू नहीं हुए हैं। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं और अब इसमें हम 4-5 इलायची के दाने को निकाल करके डाल देंगे जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। और अगर आप इसमें इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और इसे अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल आने शुरू हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पक रही है और जैसे जैसे मुरब्बा बनते जाएगी इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और जो हमने इसमें छेद किए हैं उसके अंदर चाशनी अच्छे से भरते जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रसीले मुरब्बा बन करके तैयार होगी। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो इसे हम फिर से ढक देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आंवले में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और इसके अंदर रसे बहुत ही अच्छे से चले गई है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखिए जो हमने इसमें छेद किए हैं उसमें रसे कितने अच्छे से जा रही है। और इस आंवले के मुरब्बे को बनाने के पूरे प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से पकाना है। और इसे पकाने के लिए मुझे 1 घंटे का समय लगा है। तो इसे मैं आपको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ।
और ये देखिए पूरी तरह से ठंडी हो गई है और ये बहुत ही अच्छे से बनी है। तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम गुलाब जामुन की तरह रसीली आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार हुई है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और आंवले के तो बहुत सारे फायदे हैं, तो इसे हमें किसी न किसी रूप से खाना ही चाहिए। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इसकी जो चाशनी है बिल्कुल शहद के जैसे बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसे मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी अच्छे से रसी गई है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये पूरी तरह से रसीली है और इसके अंदर तक रस चले गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये पक करके तैयार हुई है और बिल्कुल रसीली आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार हुई है। और इस मुरब्बे को हम एक जार में अच्छे से स्टोर करके रख लेंगे और इसे हम कई सालों तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। और इसे हमें फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाहर ही रख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।